एनआईए की टीम फिर से उदयपुर पहुंच गई है। कन्हैयालाल की दुकान का इस टीम ने मुआयना किया है। हत्या के आरोपियों की घर की भी तलाशी ली गई है। अपडेट यह भी आई है कि एसके इंजीनियरिंग फैक्ट्री पर भी एनआईए की टीम पहुंची। उदयपुर पहुंची एनआईए की टीम ने आज कन्हैयालाल की दुकान के साथ आरोपियों के घर और उस जगह में दबिश दी जहां आरोपियों ने कन्हैयालाल की हत्या के बाद वीडियो बनाया था। एनआईए की टीम ने आज हत्या के आरोपी मोहम्मद रियाज और उसके सहयोगी मोहम्मद वसीम के पड़ोसियों से भी पूछताछ की। एनआईए को आरोपियों के घर से सिम कार्ड और कुछ दस्तावेज मिले हैं। टीम उदयपुर में सबसे पहले मालदा स्ट्रीट स्थित कन्हैयालाल की दुकान पहुंची। यहां कन्हैयालाल की दुकान को खुलवाया गया और मौके से साक्ष्य जुटाए गए। उसके बाद एनआईए की टीम सुखेर स्थित एसके इंजीनियरिंग फैक्ट्री पहुंची, जहां से दोनों आरोपियों को हथियार मिले थे और इसी फैक्ट्री में दोनों ने कन्हैयालाल को मारने के बाद वीडियो बनाया था और उसे वायरल किया था। एनआईए इन हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय लिंक की पड़ताल कर रही है। कन्हैयालाल की हत्या के पीछे आतंकी साजिश का भी खुलासा हुआ है, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। मामले में पीएफआई पर भी आरोप लगे हैं। ऐसे में एनआईए पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है ताकि कोई भी सबूत नजरअंदाज ना किया जा सके। और इधर कन्हैयालाल की हत्या से पहले कुछ लोगों को धमकियां भी मिली थी। उदयपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धमकी देने के मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अब इस मामले में उदयपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। नुपुर के समर्थन में पोस्ट करने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या और अमरावती में उमेश कोल्हे को मौत के घाट उतारने के बाद भी कुछ लोग नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट कर रहे लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ताजा मामला उदयपुर का ही है, जहां उन लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई जो नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद आज उदयपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ उदयपुर के प्रतापनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने अब्दुल मुतल्लिब अली, गुफरान हुसैन, शाहिद नवाज खान, शोएब जिलानी को गिरफ्तार किया है। देखिए, कुछ विक्टिम्स हमारे सामने आए थे और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी रिवील हुई थी कि कुछ लोगों को और धमकियाँ मिली थी, तो उसमें केस रजिस्टर करके कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है जिनपे सोशल मीडिया के थ्रू धमकियाँ दी। पुलिस में शिकायत करने वाले वो लोग हैं जिनको कन्हैयालाल की हत्या करने से पहले ही धमकी मिली थी। इन्हें डर है कि उन पर भी जानलेवा हमला हो सकता है। उदयपुर की घटना के बाद देश के कई हिस्सों से इस तरह की खबरें आई हैं, जहां नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। महाराष्ट्र, यूपी और मध्य प्रदेश में भी धमकी मिलने के बाद कई थानों में इस तरह की शिकायत दर्ज कराई गई है। उदयपुर में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और वहीं कन्हैयालाल हत्याकांड पर तंजीम उलेमाए इस्लाम ने जारी किया है फतवा। ये बड़ी खबर, बरेली से जारी किया गया हत्या पर फतवा। कन्हैयालाल की हत्या करने वाले हैं गुनहगार। शरिया के मुताबिक कन्हैयालाल के हथियारों को मिलनी चाहिए सजा। उदयपुर में जो कन्हैयालाल के साथ हुआ, शरिया कानून में उसकी क्या सजा है, इसका जवाब आज बरेली में हुई तंजीम उलमाए इस्लाम की बैठक में साफ कर दिया गया। यहां पहुंचे उलेमाओं ने सर्वसम्मति के साथ फतवा जारी किया, जिसमें ये कहा गया कि शरिया के मुताबिक कन्हैयालाल के कातिलों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत के रहते किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तंजीम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि शरीयत के मुताबिक गुस्ताखे रसूल करने वाले के खिलाफ सिर्फ सरकार से शिकायत करनी चाहिए ताकि उस पर मुकदमा चले। इस फतवे में ये कहा गया है कि जो लोग भी इस तरीके से हरकत अंजाम देते हैं, कत्ल करते हैं या सर कलम करने की धमकी देते हैं, तो ऐसे लोग कुरान और हदीस की रोशनी में गलत काम कर रहे हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अपनी जानों को अपने हाथों से हलाकत में मत डालो। अब ऐसी कंडीशन में अगर कोई किसी को कत्ल करता है या तकलीफ पहुंचाता है, तो शरीयत इस्लामिया की रोशनी में वो नाजायज़ है और सरासर गलत फेल है।